दोस्तों, आपके सबसे फेवरेट पवनदीप राजन और अनिता कांजीलाल से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर लेकर हम आ गए हैं, जिसको सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि इंडियन आइडल सीजन 12 खत्म होने के बाद भी सोनी टीवी के मेकर्स पवनदीप राजन और अनिता कांजीलाल को एक साथ लाने का मौका नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि लोग पवनदीप राजन और अनिता कांजीलाल को एक साथ देखकर काफी खुश होते हैं। इसीलिए आपको बता दें कि इन दोनों से जुड़ी एक लेटेस्ट और बड़ी खबर लेकर हम आ गए हैं, जिसको सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। कौन सी है ये बड़ी खबर, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। चैनल पर अगर आप नए हैं, सबसे पहले जल्दी से हमारे चैनल ट्रू बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इन दोनों को लेकर कौन सी है बड़ी खबर, जिसको सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि काफी दिनों के बाद अनिता कांजीलाल अपने घर बंगाल से मुंबई वापस आ चुकी है। और आपको बता दें कि अनिता कांजीलाल मुंबई किसी जरूरी काम से आई है। आपको बता दें कि अनिता कांजीलाल और पवनदीप राजन दोनों सोनी टीवी के फेमस शो सुपर डांसर चैप्टर 4 में इस बार दिखाई देने वाले हैं। इतना ही नहीं, ये दोनों सुपर डांसर चैप्टर 4 में एक साथ डांस परफॉर्मेंस भी देने वाले हैं। और जब भी पवनदीप राजन और अनिता कांजीलाल एक साथ परफॉर्म करेंगे तो उनके फैंस के लिए ये नजारा काफी देखने लायक होगा, क्योंकि इंडियन आइडल सीजन 12 के बाद इन दोनों की डांस परफॉर्मेंस सुपर डांसर चैप्टर 4 में ही दिखाई देने वाली है। वेल दोस्तों, आपको ये खबर सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमने एक पोस्ट भी डाला है जहाँ पर आप अपनी राय जरूर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं, सबसे पहले जल्द से हमारे चैनल ट्रू बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन को।